नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अर्थ जगत की बड़ी खबरों पर। थर्मल कोयला आयात पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, 2-3 सालों में थर्मल कोयले का आयात बंद करने की तैयारी, सालाना 40,000 करोड़ रुपए की होगी बचत। टैक्स चोरी और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने के लिए भारत ने G20 से मिलाया हाथ, टैक्स हेवन्स को पारदर्शी बनाने के लिए जानकारी होगी साझा, संस्थाओं के दुरुपयोग पर लगेगी रोक। देश का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा, मुद्रा भंडार 15.74 करोड़ डॉलर से बढ़कर 359.92 डॉलर हुआ। विदेशी मुद्रा भंडार में फॉरेन करेंसी एस्टेट की अहम हिस्सेदारी। अंतिम दौर में पहुंचा राफेल सौदा, भारतीय शर्तों पर राजी हुआ फ्रांस, दोनों देशों के बीच सौदे की कीमत को लेकर थे मतभेद। भारत के व्यापार विकास पर फेसबुक कंपनी की पहल, बूस्ट योर बिजनेस प्रोग्राम को भारत के गांवों तक पहुंचाया, उद्यमियों के लिए व्यापार परिदृश्य होगा मजबूत। तो ये थी अर्थ जगत की बड़ी खबरें, देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।